हालत है देखो इतनी गंभीर, तो मैं क्या गया हूँ आपके भाई लोगों ने की, हमने थोड़ी की क्या। ऐसा है कि जब तक आप किसी को परमिट नहीं करोगे कोई सरकारी दस्तावेज, ये यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, विदाउट डॉक्यूमेंट को आप हाथ ही लगा सकते हैं, मेरा गार्ड आपको बाहर निकाल देगा। आपको होगा गार्ड, यहाँ गार्ड नहीं है, कोई नहीं लगा सकता, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, आप, होना, साहब, आप होना, आप बैठे होगा, ये बहस का मुद्दा बनेगा ना तो आप गलत ठहराए जाओगे, ये बात। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है ना, आप एक सरकारी ओहदे पे बैठे हो तो आपको जवाब शोभनीय नहीं है आपका, आके लोग हाथ लगा लेते हैं, छेड़ लेते हैं। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में 1990 से पहले की वोटर लिस्ट में नाम की शर्त आम आदमी पर भारी पड़ रही है। लोग मजबूरी में निर्वाचन विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। मंगलवार को एक बुजुर्ग अपनी छोटी सी पोती को लेकर वहां पहुंचे और कागजों में अपना नाम तलाशने का प्रयास करते रहे। दरअसल उनकी दृष्टि कमज़ोर हो चुकी है, इस कारण वोटर लिस्ट में अपने नाम को देखने के लिए वे अपनी पोती को साथ लाए, जबकि पोती इस उम्र की भी नहीं है जो वोटर लिस्ट के मायने को भी जानती हो। क्या नाम है? तनिष है मेरा नाम। किस तरह की समस्या और क्या आपके मेरे को दिखते ही नहीं है भैया, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या करना है? मैं ये वोटर की पर्ची निकाल, किस काम की? पट्टे की। अब आपको यहाँ पे किस तरह की समस्या होती है? समस्या में मेरे कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई निकाल के नहीं दे रहा। किस तरह का जवाब मिल रहा है यहाँ से? ये कभी आप किसी को लेके आओ, हम निकाल के नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर। अभी आपके साथ कौन आया? ये मेरी बच्ची छोटी, ये ढूंढने में असमर्थ हो रही है। इसी तरह की स्थितियों के चलते वहां मौजूद कार्मिकों और आमजन के बीच बहस भी हो रही है। इस बहस का कारण यह भी है कि कार्मिक वहां आने वाले लोगों को टकासा जवाब दे रहे हैं कि ये पड़ी है सारी लिस्ट है, खुद ढूंढ लो। वैसे क्या ढूंढने आए आप आज, आप और आपको क्या हो रहा है? ये वैसा पट्टे के लिए वोटर लिस्ट चिपकाने के अंदर 90 की जो ढूंढने आए, तो यहाँ आपको खुद को ढूंढना पड़ रहा है, जबकि कोई कर्मचारी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, क्या है? कोई भी दिखा नहीं, वो देख के गए हैं फॉर्म के भर के लिया, डॉक्यूमेंट लगा के लाओ। जबकि लोगों का कहना है कि सरकार के अभियान में जब 1990 की वोटर लिस्ट चाही गई है तो संबंधित विभाग को पहले से ही उस साल की वोटर लिस्ट निकाल कर अलग से क्षेत्रानुसार रख देनी चाहिए। गौरतलब है कि पट्टों के आवेदन के साथ 1990 से पहले की वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम होना जरूरी है। इस शर्त के चलते लोग उदयपुर जिला कलेक्टर के निर्वाचन विभाग में वोटर लिस्ट वाले कमरे में पहुंच रहे हैं, वहां भी उन्हें राहत नहीं है, क्योंकि 1990 के बाद वार्डों का सीमांकन बदलता रहा और लोगों को क्षेत्र अलग अलग वार्ड और अलग अलग भाग संख्या में स्थानांतरित होता रहा। ऐसे में 1990 से पहले उनका नाम कहाँ होगा, यह कई लोगों को जान ही नहीं पा रहे हैं। इधर जानकारों का कहना है कि काम वार्ड पार्षद और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, उनके पास पुरानी वोटर लिस्टें मौजूद रहती है, यदि नहीं भी है तो वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड की लिस्ट अधिकृत रूप से निर्वाचन विभाग से प्राप्त कर लोगों को भटकने से बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, यदि वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं है तब भी दो पड़ोसियों से तस्दीक वाला शपथ पत्र का विकल्प भी मौजूद है, लेकिन यह बात भी लोगों को ठीक ढंग से समझाने वाला कोई नहीं है। देना दे देना, ठीक है ना? पेपर में तो देना है। हाँ, देना ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार आगे और आ जाएगा। ये लिस्टें ऐसी है जो ये लिस्टें बेचारे ऐसे नोटी की क्या? तो किसने करी? पब्लिक ने की। पब्लिक को आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो तब ऐसा हो रहा है ना? क्यों पब्लिक को आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो? हम तो हमने कहा हम दे रहे हैं। क्या हम नाम ढूंढ के आपको दे देंगे? हाँ, आपको नहीं, हम देख लेंगे तो क्या करो? देख लेंगे तो इसलिए तो देख रहे हैं, आप देख के नहीं दे रहे होंगे। कौन वो? मैं क्या बोल रहा हूँ, समय पे नहीं मिल रहा होगा तो उनको तो रीजन होगा, ऐसे ही थोड़ी उठा उठा के ले रहे। और आपकी फाइल की, आपकी फाइल कैसे ले सकते हैं? कोई नहीं देता है। मेरी बात तो सुनो, आपके अंदर फाइल है ना, ये इसको मैं हाथ लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता हूँ? आपको लगाऊं? लगाऊं? नहीं लगा सकते हैं। आप परमिशन देंगे तो लेकिन होगी ना वहाँ पे? और उनकी हालत तो देखो इतनी गंभीर,
तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके भाई लोगों ने की, हमने थोड़ी की क्या? ऐसा है कि जब तक आप किसी को परमिट नहीं करोगे कोई सरकारी दस्तावेज, ये यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट को आप हाथ ही लगा सकते हैं, मेरा गार्ड आपको बाहर निकाल देगा। आपको होगा गार्ड, यहाँ गार्ड नहीं है, कोई नहीं लगा सकता, यहाँ कोई गार्ड नहीं, आप हो ना, आप बैठे हो क्या? ये बहस का मुद्दा बनेगा ना तो आप गलत ठहराए जाओगे, ये बात। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है ना, आप एक सरकारी ओहदे पे बैठे हो तो आपको जवाब शोभनीय नहीं है आपका, आके लोग हाथ लगा लेते हैं, छेड़ लेते हैं, इसे कैसे लगा दे यार, मैं थोड़ी हाथ लगाता हूँ, इसके हाथ लगाने का अधिकार ही नहीं हूँ मैं, आप नहीं समझे ना। नहीं नहीं, एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला, मैं आपको दे दूंगा हफ्ते भर में। अरे भाई साहब, आप ये तो अपनी मानवता जो अपन देख रहे हैं, मतलब इनका कहना है कि अपन ले जा भी सकते हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे क्या? पूरी लाओ लेके चलते हैं, चलो ले जाओ लेगा यार, वही वाली बात आ रहा है, तो किस अंदाज में कह रहे हो मेरे को ले जाओ ना, ले जाना में तो क्यों जो ले जाऊँ मैं, फिर समझ रहे हो ना, गलत चीज है बाबू जी, आपको इतने सारे कर्मचारी अभी नजर ही नहीं आ रहे हैं, आप अकेले हो इस यहाँ पे, इस पूरे रूम में आप पूरे रूम में अकेले हो क्या अभी पोस्ट में? नहीं हूँ। तो बाकी कहाँ हैं? सब आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ गए? कहाँ गए? पट्टे के लिए वोटर लिस्ट देखने थे, नाम ढूंढना पड़ेगा, वो रहे वो बोल वो यही बात चल रही है, अपने यही बता दें, आपको इस तरह का जवाब शोभा नहीं देता। सर सर मेरी बात तो सुनो, यूं तो मत करो आप, ठीक है, आपका नाम और नंबर मुझे बता दो, काम नहीं है कुछ भी, कोई नाम नहीं है, काम नहीं है कुछ भी मेरा आपसे, मेरा काम नहीं, बस नाम नंबर, आपका नाम बताओ ना, किस औहदे पे हो, क्या नाम बताओ, फिर मैं कार्रवाई कर लूंगा, आवश्यकता तो मैं निकाल लूंगा ना, आवश्यकता आपकी आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता कि हम आके परेशान हो रहे हैं यहाँ पे एक छोटे सी चीज के लिए, मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ नाम, अब आपको मैं देख लूंगा, मैं वो कोई अलग कोई नाम निकाल लूंगा, निकालो इनकी बहुत तकलीफ भी हो रही है, निकालना भी चाहिए इनका नाम, निकालो आदमी ढूंढेगा फोर्थ क्लास, तो फिर आप कैसे, अब मैं ये तो पूछ रहा हूँ, और किस तरह का इसके लिए 90 पहले चाहिए, इसके लिए 96 से पहले चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से भाई साहब एक नियमावली यहाँ लगनी चाहिए कि एसटी वालों के कौन सी है, एसटी वालों के कौन सी है, ओबीसी के कौन सी, कोई जानकारी नहीं, ये वो दे ना, कौन दे, नगर निगम, अरे तो भाई साहब आप यार, अपन सब सरकार के महकमे के व्यक्ति हैं, अपन भी लगा लें एक यहाँ पे, जब जानकारी अपने पास है तो, केम का चल रहा है, केम का चल रहा है, यार भाई साहब गेम कुछ भी हो फिलहाल तो सबसे बड़ी शिकायत ये है, मेरे यहाँ कोई चीज है, आप नगर निगम में गए लेने, मेरे को उसको देना है कि भाई मेरे को ये, अगर शेर विधायक साहब लिख देंगे तो काम हो जाएगा ना, शेर विधायक साहब लिख के दे देंगे फिर तो काम हो जाएगा, ये मैं नहीं बता सकता, फिर आप क्या बता सकते हो, ये मैं नहीं बता, ये वो जवाब दे कि गेम उसके यहाँ चल रहा है, नहीं बेटा आप सबसे देखो एम्प्लॉयर कहाँ है, वो तो क्या बढ़िया एम्प्लॉयर तक नहीं है, गलत बात है भाई साहब, मोदी साहब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट किया है, हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए की तनख्वाह में रखो, देखो ये सब काम करते ही नहीं करते,